बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और आसान बनने वाला ये आलू का नाश्ता। स्नैक्स जो सभी को पसंद आता है, बच्चे बड़े सभी को इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू का नाश्ता जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ बनाने के लिए 4 उबले आलू लिए हैं, उसको अच्छे से हम तोड़ लेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर से इसको ग्रेट कर ले। देखिए मैंने यहाँ कांटे वाली चम्मच होती है उसकी सहायता से हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, देख सकते हैं आप सारे आलू को। और हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में ले लेंगे। इसको बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, हमने यहाँ 2 चम्मच डाला है। आप यहाँ पे चावल के आटे जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और मैदे भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ चावल का आटा यूज किया है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हमने लिया है। यहाँ लेंगे गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक। अभी और यहाँ डाल देंगे 2 चम्मच हम डाल देंगे तेल, देखिए जिससे ये अंदर से सॉफ्ट बनती है। तेल डाल देंगे और क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। देखिए हमने नमक लिया है तो इसके चाट मसाला पाउडर भी हम कम यूज करेंगे। देखिए हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे, एक डोसा तैयार कर लेंगे इनको मिला के। इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें उबले हुए आलू हैं तो अच्छे से ये डो बन जाएगी। तो देखिए हमें इसको डो तैयार करना है। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये क्रिस्पी और बहुत ही आसान है। हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, छोटे से लोई लेके इसके बॉल सा बनाएंगे। और बॉल सा बनाने के लिए, गोल सा बनाने के बाद इसको हल्के हाथों से दबा देंगे, देख सकते हैं आप। अब इसको हम फोक की सहायता से, जो कांटे वाली चम्मच होती है उसकी सहायता से अच्छी सी सेक दे देंगे, देख सकते हैं आप। ऐसे करके हमें एक और आपको बना के दिखाती हूँ, हमें गोल सा बनाना है। इसको हल्के हाथों से फिर इसको अच्छे से दबा देना है, देखिए। अब इसको फिर से हमें ऐसे सेक दे देना है। हम ऐसे करके हमें सारे आटे को, हम सारे आलू को हम ऐसे बना लेंगे, देख सकते हैं आप। देखिए अब इसको कर हम तेल में फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ तेल लिया है, इसको गर्म हो गया आने के बाद इसमें डाल देंगे सारे को, एक एक करके हम सारे पीसेस को इसमें हम डाल देंगे। देखिए इसको अच्छे से कलर देने तक इसको हम फ्राई करेंगे, देख सकते हैं आप। हमें गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है कि अच्छे से ये अंदर से भी पक जाए, कच्चा ना रहे। हमें हाई गैस नहीं करना है कि अंदर ऊपर से ये जल जाएगी, इसलिए इसको अलटते पलटते हमें अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स ये 5 मिनट में ही हमारा ये रेसिपी बनके तैयार हो जाता है और घर में सभी को पसंद आता है। आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तब भी आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। देखिए हमारा ये स्नैक्स है वो तैयार है। इसको हम अब निकाल लेंगे। देखिए हम सारे को अच्छे से निकाल लें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, खाने में इतना ही टेस्टी लगती है। अब सारे को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में इतनी ही टेस्टी लगती है। देखिए आप कितना क्रिस्पी है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखिए आप इसको सॉस वगैरह के साथ ले सकते हैं।